चलो तो देखो, आज हम एक बहुत बेसिक सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, दैट इज मोल कंसेप्ट। ये चैप्टर से एक्सेस कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब आते तो हैं, जैसे लास्ट ईयर भी आया था, घूम फिर के आते रहते हैं, लेकिन इस चैप्टर का हर चैप्टर में यूज़ है। यहाँ आप जो सीखते हो वो आपके बेसिक्स क्रिएट करता है और वो आपके हर जगह काम में आते हैं, इसलिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना या आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, देखो आप शुरू करते हैं अपने चैप्टर के साथ। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर सीखनी है, दैट इज एटॉमिक मास। तो ये आप लोग बचपन से पढ़ते हैं एटॉमिक मास क्या होता है, तो मुझे बताएगा क्या होता है एटॉमिक मास, व्हाट इज एटॉमिक मास? वो तो मास नंबर होता है। हाँ चलो बोलो बोलो, सही है, सही बोल रहे हो आप। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, बस इलेक्ट्रॉन्स नहीं, पर काउंट तो होते हैं ना। देखो एक तरीका तो होता है कि भाई एटम किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो इन तीनों के मासेस का सम कर दो, मतलब जितने प्रोटॉन्स हैं उनका नंबर, जितने न्यूट्रॉन्स हैं उनका नंबर, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबको आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका एटॉमिक मास मिल जाएगा। ये तो मॉडर्न ज़माने की बात है, आधुनिक आज की बात है, जब आप एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास जानते हो। जब आप 19th सेंचुरी में थे ना, जब केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी, उस टाइम पर ना तो आपको इलेक्ट्रॉन का मास पता था, ना न्यूट्रॉन का पता था, ना प्रोटॉन का पता था। तो उस टाइम पर क्या है, हमारे पास ऐसा कोई सोफिस्टिकेटेड डिवाइस नहीं था जिससे हम लोग क्या करें, एक एटम का मास पता कर सकें। तो उस टाइम पर क्या किया था, जुगाड़ टेक्निक यूज़ करते थे एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए। तो हमें वही टेक्निक सीखनी होगी क्योंकि बेस हमारा वही है और वो बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर करनी होगी। देखो अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ एटॉमिक मास, तो इसको मैं एक लाइन में तो ऐसा बोल सकता हूँ, मास ऑफ एन एटम। अगर आप किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकाल लो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक मास बोलते हैं। बोले चीज समझ में आती है? या फिर जैसा आपने कहा कि आप एक और तरीके से निकाल सकते हो कि अगर आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखना है तो एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। अभी आप तो ये जानते हो कि एक प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, सेम कितना होता है, वो 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम्स। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, वो होता है 9.1 × 10⁻³⁶ kg बोल दो या 28 ग्राम बोल दो। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो एक प्रोटॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली 1840 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑलमोस्ट 2000 गुना ज़्यादा है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन से इतना ज़्यादा होता है, इन जनरल हम इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। और इसलिए आप देखते हो कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का जो मास नंबर होता है, कौन सा नंबर होता है, मास नंबर, वो किसके इक्वल आता है, एटॉमिक मास के इक्वल आता है। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आप एटॉमिक मास बोल रहे हो करेक्ट वैल्यू, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और साथ में आपको किसको काउंट करना होता है, इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट करना होता है। चलो ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो हम ये बात करते हैं कि हम एटॉमिक मास को डिफाइन कैसे करें। तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री आप लोग सब इसकी जानते हो, लेकिन एक नए तरीके से शुरुआत करते हैं कि जब हमें एटॉमिक मास डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने आपको बताया उस टाइम पर ऐसा कोई डिवाइस नहीं था जो एक एटम के मास को कैलकुलेट कर सके। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, एक जुगाड़ टेक्निक बनाई। चलो जुगाड़ टेक्निक को सीखने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ। क्या मुझे बता सकते हो 1 kg ये किसकी यूनिट है, मास? बताओ व्हाट इज 1 kg? ये तो बताई दिया अपने यूनिट ऑफ मास, उसके अलावा व्हाट इज 1 kg? बता क्या है 1 kg, कहाँ से आया, एग्जिस्टेंस में कहाँ से आया 1 kg? अमाउंट ऑफ 1 kg का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है कि ये 1 kg, ये चीज 1 kg है, पता है ओरिजिन कहाँ से आया, यूनिट कहाँ से बनी, सीखा होगा आपने फिजिक्स के अंदर, सुना होगा। एक्चुअली क्या है, एक सिलेंडर है, अलॉय का है, मैं नाम भूल गया उसका, कौन सी अलॉय है, तो एक अलॉय का एक सिलेंडर है, ठीक, उसके मास को कितना मान लिया गया, ये आज के बाद 1 kg है, क्योंकि उस दिन से पहले ना तो आपको पता था 1 kg क्या है, ना मुझे पता 1 kg क्या है, तो इसको मान लिया, दुनिया में किसी को पता ही नहीं है, तो मैंने बोल दिया कि भाई ये 1 kg है आज से। अब
अब आपको दुनिया की किसी भी चीज़ का मास पता करना है तो बताओ आप क्या करोगे, उसको इस सिलेंडर से कंपेयर करोगे। जैसे मान लो मुझे एक बॉक्स है, ये इस बॉक्स का मास पता करना है, ठीक, तो मैं क्या करूँगा, इस बॉक्स को, बॉक्स के मास को इस सिलेंडर के मास से कंपेयर करूँगा। कैसे, मैं एक वेट बैलेंस ले लूँगा, ऐसा इधर रख दूँगा बॉक्स को, और बताओ इधर किसको रखना शुरू करूँगा, कब तक। तो मान लो मैंने यहाँ पर चार सिलेंडर रखे और चार सिलेंडर रखने पर दोनों साइड बैलेंस हो गए, तो बताओ इस बॉक्स का मास, मास ऑफ बॉक्स कितना होगा, 4 times द मास ऑफ सिलेंडर होगा। थोड़ा समझ में आ रहा है। मान लो मुझे एक हाथी का मास पता करना है, तो मैं हाथी को यहाँ बिठा दूंगा, ठीक है, और क्या कह रहे हो, और यहाँ पे सिलेंडर रखना शुरू करेंगे। तो मान लो एक हाथी का मास, मतलब ये हाथी का जो मास है वो आ रहा है मान लो कुछ 1200 सिलेंडर्स के मास के, आपको 1200 सिलेंडर रखने पड़ गए, जब जाके क्या हुआ, बैलेंस हुआ। तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का अब अगर मास पता करना है तो आप बताओ क्या करोगे, उसके मास को सिलेंडर के मास से कंपेयर करना शुरू करोगे। बोलो बात समझ में आ रही है। तो आपने लिखा, अब आपको मास लिखना पड़ रहा है बार बार, तो आप क्या कर रहे हो, तो आपको लिखना पड़ा मास ऑफ बॉक्स, तो आप क्या बोल रहे हो, 4 times द मास ऑफ सिलेंडर। आपको लिखना है मास ऑफ एलिफेंट कितना होगा, 1200 times द मास ऑफ 1 सिलेंडर। तो आप इस चीज़ को बार बार लिख रहे हो। अगर आप इस चीज़ को बार बार लिख रहे हो तो क्यों ना हम इसको एक यूनिट बना दें, क्या बना दें, यूनिट। तो हमने इसको नाम दे दिया केजी, कितना नाम दिया, केजी। तो बताओ अब इसका मास कितना हो गया, 4 kg। बताओ इस एलिफेंट का मास कितना हो गया, 1200 kg। और इस तरह से आपके सामने एक यूनिट एग्जिस्टेंस में है जिसको हमने क्या बोला, किलोग्राम बोला। अगर आप ध्यान दो, हमने इसको 1 kg ही बोला, हमने इसको चार, हम चाहते तो हम इसे 2 kg बोल सकते थे, कौन रोकने वाला है, हम चाहते तो इसे 0.5 kg भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोला। बताओ क्यों, ताकि हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या रहे, इंटैक्ट। अगर हम इसको 1 रखेंगे तो इस वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर मैं इसको 2 kg बोल दूँ तो ये हमेशा कितना आएगा, डबल होकर आपको मास मिलेगा। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जब हम यूनिट बना रहे हैं तो उस यूनिट की वैल्यू हम कितना लेकर चलें, 1। बोलो समझ में आता है। इसी तरह से मैं आपसे बोलूँ मीटर, व्हाट इज़ मीटर, तो मीटर एक रॉड है, उस रॉड की लेंथ को कितना मान लिया गया है, 1 meter। अब आपको दुनिया की किसी भी चीज़ की लेंथ पता करनी है तो आप उसे किससे कंपेयर करोगे, इससे। मान लो किसी चीज़ की लेंथ इसकी 0.5 times है, लेंथ ऑफ दिस रॉड, तो बताओ लेंथ की रॉड को कितना बोला आपने, 1 meter, इसलिए उस चीज़ की लेंथ कितनी हो जाएगी, 0.5 meter। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यूनिट्स जनरेट करते हैं। सेम यही फंडा हम लोग रेप्लिकेट करेंगे जब हम एटॉमिक मास डिफाइन करने चलेंगे। इतना तो आप जानते ही हो कि हमने जब पहले एटॉमिक मास डिफाइन किया था तो वो इस वैल्यू के रिस्पेक्ट में किया था, 1/12 into मास ऑफ 1 carbon 12 atom, याद नहीं तो आप लोगों को। तो ये हमारा स्टैंडर्ड है, जैसे हमने वहाँ पे स्टैंडर्ड सिलेंडर को लिया वैसे इसको हमने क्या किया, यहाँ पर स्टैंडर्ड लिया, ठीक है। तो बेसिकली हम जो भी एटॉमिक मास डिफाइन करेंगे वो इसके रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए हम उसे कौन सा मास बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलेंगे। अभी आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस होता है, बट पहली चीज़ हम डिफाइन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस वैल्यू के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम क्या डिफाइन करते हैं, यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन करते हैं। अब आप देखो कैसे डिफाइन करोगे, आप क्या करोगे, आपको जिस भी एटम का मास पता करना है आप उसे इस वैल्यू से कंपेयर करोगे। कैसे कंपेयर करोगे वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है, तो इसमें आपको रिजल्ट लिखता हूँ सामने। मैंने बोला कि मैंने मास ऑफ 1 oxygen atom को कंपेयर किया, तो मास ऑफ 1 oxygen atom को जब मैंने कंपेयर किया इस वैल्यू से तो वो कितना आया, 16 times ऑफ दिस वैल्यू। वैल्यू क्या है, 1/12 into मास ऑफ 1 carbon 12 atom, ठीक। ऐसे मैंने मास ऑफ 1 sodium atom कंपेयर किया, तो वो कंपेयर किया तो वो इस वैल्यू का कितना टाइम्स आ रहा था, 23 times ऑफ दिस वैल्यू। तो कौन सी वैल्यू, 1/12 into मास ऑफ 1 carbon 12 atom। ऐसे ही मैंने मान लो सल्फर एटम के लिए पता किया तो वो कितना आ रहा था, 32 times ऑफ दिस वैल्यू। अब देखो तीसरी बार मैंने दोबारा इस वैल्यू को लिखा ही नहीं, कौन इतना लिखेगा, हम तो वैसे मॉडर्न लोग हैं,
और मॉडर्न लोग तो वैसे आलसी होते हैं, बड़े वाले होते नहीं होते? होते ना, अपन भी है ही। तो इतना बार बार कौन लिखे? तो नहीं लिखो, उसके लिए हम क्या करें बताओ? भाई देखो, हर बार जब आप एक एटम का मास लिख रहे हो किसी भी एलिमेंट के, तो ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको अवॉइड करने के लिए, जैसे मैंने मास ऑफ सिलेंडर को एक यूनिट बना दिया था, बताओ मैं इसको भी क्या बना दूंगा? एक यूनिट। और इस यूनिट का नाम हमने क्या रखा? एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? AMU। और अब आप देखो, अगर मैंने इसको यूनिट बना दिया है, तो बताओ मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा? 16 AMU। बताओ मास ऑफ वन सोडियम एटम कितना होगा? 23 AMU। इसी तरह बताओ मास ऑफ वन सल्फर एटम कितना होगा? 32 AMU। तो यहाँ से हमारे पास एक यूनिट एग्जिस्टेंस में आई, जिसे हम कौन सी यूनिट बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। और वन एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो किसके इक्वल होती है? 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। बोलो, यहाँ तक कहानी समझ में आती है? किसी को दिक्कत है इसके अंदर? तो अब आपके पास क्या हो चुका है? सबके एटॉमिक मास आ चुके हैं AMU में। उस टाइम तक आपको AMU की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं थी, तो हम इसको इसी फॉर्म में लिखते थे। फिर कई सालों बाद, इस डिस्कवरी, इस यूनिट के बनाने के कई सालों बाद, एक डिवाइस आया जिसका नाम था स्पेक्ट्रोमीटर। क्या था? स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर जो आपका ये डिवाइस है, ये क्या कर सकता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स के मास भी बता सकता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कार्बन 12। तो जब स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन 12 के एक एटम का मास पता किया गया, मास ऑफ वन C12 एटम, तो वो कितना आया? वो आया 1.99 × 10⁻²³ ग्राम्स। तो ये वैल्यू हमको बताई स्पेक्ट्रोमीटर ने। जैसे हम इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं, बताओ 1 AMU की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस वुड बी 1/12 इंटू 1.99 × 10⁻²। इसे आप कैलकुलेट करोगे, आएगा 1.66 × 10⁻²। आज हम 1 AMU की एब्सोल्यूट वैल्यू किस में बता सकते हैं? ग्राम में। लेकिन उस टाइम तक नहीं बता सकते थे। बोलो, समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हमने डिफाइन किया एटॉमिक मास यूनिट। और अब आपको जो चीज़ ध्यान देनी है, आप AMU कब यूज़ करते हो? आप AMU तब यूज़ करते हो जब आप कितने एटम्स का मास लिख रहे हो? ये बहुत काम की चीज़ है, आपके क्वेश्चंस करने के काम में आएगी। जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं रिकॉल भी करवाऊंगा। जब भी आप AMU यूज़ कर रहे हो, मतलब आप किसका मास लिख रहे हो? एक एटम का। तो आज अगर आपको बताना है कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होगा, तो बताओ मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना आएगा? कितना आएगा? 16 AMU। और अगर आप ये मुझसे ग्राम में पूछ रहे हो, तो बताओ मैं AMU की जगह कितना लिख दूंगा? 1.66 × 10⁻²। तो मैं AMU में भी लिख सकता हूँ और ग्राम में भी लिख सकता हूँ। बोला, बात समझ में आती है? चलो, एक बात तो हुई, ये तो हुआ एटॉमिक मास डिफाइन कैसे करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। किसकी? रिलेटिव एटॉमिक मास की। रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान देना, ये ऑब्जेक्ट है ए, इसका मास है 50 kg। एक ऑब्जेक्ट है बी, इसका मास है मान लो 400 kg। ठीक है, क्या आप मुझे मास ऑफ बी रिलेटिव टू ए बता सकते हो? नहीं, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कैसे निकालोगे, ये पूछना है मुझे। क्या किया आपने? प्रोसेस बताओ मुझे। आपने मास ऑफ बी लिया, उसको किससे डिवाइड कर दिया? मास ऑफ ए से। तो ये कितना था? 400 / 50। कितने टाइम्स कैंसिल हुआ? 8 times। बताओ इसकी यूनिट कितनी आएगी? क्यों? क्योंकि ये किस में है? केजी में। ये भी किस में है? केजी से केजी कैंसिल, मतलब ये क्वांटिटी कैसी होगी? यूनिटलेस। बोलो, इसमें किसी को डाउट है? सबको आता है। अच्छा, किया क्या मैंने? अगर मुझे मास ऑफ बी रिलेटिव टू ए निकालना था, तो मैंने मास ऑफ बी को ए से डिवाइड कर दिया। बताओ अगर मुझे ए रिलेटिव टू बी निकालना होता, तो ए को बी से डिवाइड करता। इसका मतलब यह है कि हमें जिसके रिलेटिव मास निकालना होता है, उससे हम क्या करते हैं? डिवाइड। बोले, इसमें किसी को डाउट है?
फर्दर ये जो रिलेटिव मास है ये आपको हमेशा कैसी क्वांटिटी मिलेगी, एक यूनिटलेस क्वांटिटी मिलेगी। तो सेम इसी पैटर्न पर हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं देखना, बहुत आसान है डिफाइन करना। बताओ हम किसके रिलेटिव डिफाइन कर रहे हैं, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 carbon 12 के रिलेटिव, इसी रिलेटिव डिफाइन कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, अगर आपको किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन करना है, ठीक है, ये सब याद नहीं रखना है आपको, बस समझते हुए चलो, जो याद रखना है बताऊंगा आपको भी। तो बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालूंगा, जिस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है उसका एक एटम लो, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, सही है, और इसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे, जिसके रिलेटिव निकाल रहे हो, बताओ किसके रिलेटिव निकाल रहे हो, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 carbon 12 एटम, बोले जो सही है, बन गया ना फॉर्मूला अपने आप ही। जैसे मान लो मुझे लिखना है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मुझे लिखना है, बताओ कैसे लिखूंगा, ऊपर तो क्या आएगा, मास ऑफ 1 oxygen atom, बताओ इसको डिवाइड किससे करूंगा, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 carbon 12 एटम से, क्योंकि इसी के रिलेटिव निकाल रहा हूं। अभी आपने देखा, बताओ मास ऑफ 1 oxygen एटम कितना आता है, 16 amu, और बताओ क्या मैं ये एक amu तो है, ये एमयू को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसको डिवाइड किससे कर सकता हूँ, एमयू से। तो देखो एमयू से एमयू क्या हो गया, कैंसिल, बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, 60, समझ में आ रहा है। तो बताओ एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है, यूनिट का, एटॉमिक मास की यूनिट तो क्या होगी हमेशा एमयू, जबकि रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट नहीं होती, वो कैसा होता है, यूनिटलेस होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि रिलेटिव एटॉमिक मास will be a unitless quantity, सही है, समझ में आ रहा है। चलो आप इसे कॉपी करो, फिर हम लोग और आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो जो काम की चीजें याद रखने की सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप ऑक्सीजन एटम के लिए लिखना शुरू करो, देखो मैं ऑक्सीजन एटम के लिए दो चीजें लिखता हूं, एक लिखूंगा 16 और एक क्या लिखूंगा, 16 amu, और लिख सकता हूं। तो बताओ 16 क्या है इसका, ये तो क्या है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास, और बताओ 16 amu क्या है, इसको आप एटॉमिक मास नहीं बोल के रादर ऐसे बोला करो, दिस इज मास ऑफ, हाँ मास ऑफ 1 oxygen atom, आप इसको इसी फॉर्म में याद रखो। कभी भी आपको एक एटम का, एक एटम के लिए लिखना है मास, तो हमेशा किसके अंदर लिखोगे आप, एमयू के अंदर लिखोगे। तो इस तरह से हमने यूनिट डिफाइन की जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, और ये इसका मतलब होता है। अगर आप ध्यान से देखो ऑक्सीजन का मास नंबर भी कितना होता है, 60, तो मास नंबर की वैल्यू रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर ही होती है। या फिर आप ऐसा बोल लो, अगर आपको किसी का मास नंबर पता है तो उसके आगे अगर आप एमयू लगा दो तो आपको उसके एक एटम का मास पता लग जाए। तो यहाँ तक कोई डाउट, चलो एटॉमिक मास को डिफाइन करने के बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक, तो देखो जैसे आपने एटॉमिक मास को डिफाइन किया, अच्छा मैंने आपको एटॉमिक मास की टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बताई, मैं बता देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं होती उसको, उसको ऐसे बोलते हैं कि एटॉमिक मास इज अ नंबर विच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 इंटू मास ऑफ 1 carbon 12 एटम। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन होती है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो ये क्या बताता है कि ये एक नंबर है जो ये बताता है कि ऑक्सीजन का एक एटम इस वैल्यू से कितने टाइम्स हैवी होता है। तो डेफिनेशन रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको मतलब पता होना चाहिए जो हमको पता लग चुका है। ऐसे हम मॉलिकुलर मास को डिफाइन करते हैं, बट हम उस डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे, हम तो मॉलिकुलर मास को सिंपल एक लाइन में डिफाइन करेंगे। कैसे, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस
ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मासेस का अगर आप सम कर दो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं. जैसे मैं आपसे बोलूं H2O, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो दो हाइड्रोजन है तो 2 × 1 + कितना हो गया 18. समझ में आ रहा है? तो इस तरह से मैं बोलूं आपसे H2SO4, तो H2SO4 में क्या होगा, दो हाइड्रोजन तो 2 × 1 + एक सल्फर. सल्फर कितना होता है 32 + 4 × 16, सबको ऐड करोगे कितना आ जाएगा 98. बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? अभी मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लिखवाऊंगा अभी, जो आपको याद रखने होते हैं, तो रटना नहीं, वो यूज़ करते करते आपको अपने आप याद हो जाएंगे. अभी तो आप समझो कि भाई हमने क्या किया, H2O का मॉलिक्यूलर मास निकाला, वो कितना आया 18. अब देखो मैं H2O के लिए दो चीज़ें लिख सकता हूँ, ये आपका H2O मॉलिक्यूल, एक में लिख सकता हूँ इसके लिए 18 और एक में लिख सकता हूँ 18 AMU. क्या आप मुझे इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस बता सकते हो? बताओ ये क्या है, रिलेटिव, क्या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. जैसे वहां पर 16 रिलेटिव एटॉमिक मास था, यहाँ पर 18 क्या है, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है. बताओ 18 AMU क्या है, मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल. बोलो सही है या गलत? बिल्कुल सही है. अब क्या होता है, कुछ साइंटिस्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि AMU की फुल फॉर्म क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट. ये क्या है, मॉलिक्यूल. आप मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक मास यूनिट कैसे लिख रहे हो, जबरदस्ती का डाउट है ना. लेकिन ऐसे लोगों की डाउट्स को शांत करने के लिए ये कहा गया कि ले भैया तू खुश रहे, हम 18U लिख देंगे आज के बाद इसको. और U का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास. आप इसे चाहो तो एटम के लिए भी यूज़ कर लो, और आप चाहो तो इसे किसके लिए यूज़ कर लोगे, मॉलिक्यूल के लिए भी यूज़ कर लोगे. कहने का मतलब आपके सामने एक और यूनिट एग्जिस्टेंस में आ गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू. और आपको साफ साफ दिख रहा है यू और AMU दोनों क्या होते हैं, सेम. तो अब हम 18 AMU की जगह इसको कितना लिख सकते हैं, 18U. आप चाहे 1 AMU बोल लो, चाहे 1U बोल लो, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम्स. बोलो कर सकते हैं, कोई डाउट? चलो तो पहले हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को लिख लेते हैं, फिर थोड़े बहुत मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे और आगे बात करेंगे. ठीक है, मैं सबके नहीं लिखवा रहा हूँ, पर जो कॉमन काम में आते हैं वो लिख लेते हैं. हाइड्रोजन कितना होता है 1, बताओ हीलियम का कितना होता है 4, लिथियम कितना होता है 7, अगर आप चाहो तो बेरिलियम ले लो वो कितना होता है 9. ठीक, उसके बाद आप चलो सीधा आगे, सोडियम से पहले भी तो ले लें, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सभी तो रहेगा आपके. कार्बन कितना हो गया 12, नाइट्रोजन कितना हो गया 14, ऑक्सीजन कितना हो गया 16. इधर आप आ जाओ, फ्लोरीन का कितना होता है 19, नियॉन का कितना होता है 20. इसके बाद आ गया सोडियम कितना होता है 23, फिर मैग्नीशियम कितना होता है 24, एल्यूमिनियम 27, देन नंबर से चलो 27 के बाद आप ले लो फॉस्फोरस विच इज 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5. क्लोरीन का 35.5 क्यों होता है, हाँ क्यों होता है, क्योंकि वो आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये अपन आगे सीखेंगे. क्लोरीन के बाद आप पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, फिर जब आप सीधा आ जाओ क्रोमियम पर विच इज़ 52, मैंगनीज विच इज़ 55, आयरन विच इज़ 56, कॉपर विच इज़ 63.5, जिंक विच इज़ 65. आप चाहो तो कोबाल्ट भी लिख लो, यहाँ 59 के आसपास होता है उसका. ठीक है, तो वो होगा तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, पर ये कॉमन है जो ध्यान रखने हैं. 65 के बाद आप सीधा आ जाओ मरकरी के ऊपर, मरकरी नहीं ब्रोमीन के ऊपर विच इज़ 80, फिर आप आ जाओ ब्रोमीन के बाद सिल्वर विच इज़ 108, आयोडीन विच इज़ 127, एक आप याद रख लेना मरकरी जिसका एटॉमिक मास होता है 200, और लेड विच इज़ 208. ठीक है, तो ये आपको रटने नहीं है,
वैसे तो ये एग्ज़ाम में देवे होते हैं, ठीक है, जब भी पेपर होता है पेपर में आगे या क्वेश्चन के जस्ट अंदर ही आपको हमेशा एटॉमिक मास लिखे हुए मिलेंगे, ये आपको यूज़ करते करते अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो फटाफट से इन्हें कॉपी करो, फिर हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं। हमने एटॉमिक मास देख लिया, मॉलिकुलर मास देख लिया, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं मॉलिकुलर मास के, फिर हम डिफाइन करेंगे मोलर मास को। कॉपी करो, फिर हम लोग आई कंटिन्यू करेंगे इसको। तो देखो कुछ एग्जांपल्स करते हैं मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करने के। कैलकुलेट मॉलिकुलर मास, ठीक, सबसे तो सिंपल CaCO3, सेकंड H2SO4, थर्ड शुगर, फोर्थ K4FeCN whole 6, फिफ्थ MgCl2.6H2। ठीक है, तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं छोटे छोटे। ये तो कितना जाएगा, 100 98। शुगर का फॉर्मूला C6H12O6, C12H22O11। इसका मोलर मास निकालोगे आएगा 342। देखो ये कॉमन है, आपको याद ही हो जाने चाहिए, वैसे भी याद हो ही जाएंगे यूज करते करते, है ना, मतलब रटने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएंगे अपने आप। पता इसका कितना आएगा, तो आप निकालो 4 × पोटेशियम कितना होता है 39, प्लस 1 × आयरन कितना हो गया 56। ये ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपको सबको ऐड ही करना है। CN, ऐसा करो C और N को एक यूनिट मान लो, तो कार्बन 12 और नाइट्रोजन 14, 26, तो प्लस लिख दो 6 × 26। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, आपको इसका मोलर मास मिल जाए, मॉलिकुलर मास मिल जाए, है ना। ऐसे ही MgCl2.6H2O, तो देखो Mg हो गया 24 प्लस 2 × 35.5 कितना हो गया 71, ये हो गया 95 प्लस 6 × 18, तो निकाल लो 95 प्लस 108 कितना हो गया 203, सही ना, कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका होता है, आपको किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, बस कुछ महान प्रवृत्ति के लोग इसको मैथ समझ लेते हैं और डॉट समझ के क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो वो कभी नहीं करना है, ये सब अटैच्ड है आपस में, तो आपको इनको सबके मॉलिक्यूलर मास को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। चलो एटॉमिक मास देख लिया, मॉलिक्यूलर मास देख लिया, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास। क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है, यही टर्म आपके अब आगे तक काम में आने वाला है, आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे सबके अंदर, ठीक। तो व्हाट इज मोलर मास, नाम से ही पता लग रहा है, मोलर, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का अगर आप मास निकाल लो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसका मोलर मास। तो सिंपल टर्म्स में आप इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जब भी किसी सब्सटेंस का मोलर मास लिखोगे हमेशा किस में लिखोगे, ग्राम्स में, बात नंबर एक। बात नंबर दो, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज 1 मोल, इसको अभी अपन आगे पढ़ेंगे लेकिन हम अभी डिफाइन कर सकते हैं। 1 मोल का सिंपल सा मतलब होता है क्या, 6.023 × 10³। इस नंबर को ही हम 1 मोल बोलते हैं। इन जनरल मैं इसे पार्टिकल्स लिखता हूँ क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ये पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है, बेसिकली इतनी यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक। तो आज के बाद आपने किसी भी चीज़ के आगे मोल लगा दिया तो उसका मतलब हो गया ये नंबर। जैसे मैं बोलूँ ये 1 मोल चॉक्स होल्डर्स, तो बताओ कितने होल्डर्स हो गए अपने पास, इतने होल्डर्स हो गए। आप बोलो 1 मोल फैंस, तो कितने फैंस हो गए, इतने फैंस हो गए। तो मोल का और कोई मतलब नहीं होता, मोल का सिंपल सा मतलब होता है ये नंबर। 10 नंबर को हम कौन सा नंबर बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, से हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। चलो अभी मोल के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है अपने पास, इसको हम फिर आगे डिफाइन कर ही लेंगे।
अब देखो, अब मुझे किसी चीज़ का मोलर मास निकालना है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ये चॉक होल्डर है, इसका मास है 5 ग्राम। कितना है इसका मास? 5 ग्राम। बताओ मुझे अगर इसका मोलर मास निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मुझे आंसर नहीं, तरीका बताओ कैसे निकालूंगा। मास ऑफ वन चॉक को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? एवोगैड्रो नंबर से। क्यों? क्योंकि भाई मुझे एक मोल का मास निकालना है। बताओ एक मोल में कितने चॉक होल्डर्स होंगे? एनए। तो अगर एक चॉक होल्डर का मास 5 है तो एनए का कितना होगा? 5 × NA ग्राम। बोले बात समझ में आ रही है? अच्छा चलो, मेरे पास एक बॉक्स है, ये बॉक्स इसका मास है 20 kg। मुझे इसका मोलर मास निकालना है, बताओ क्या होगा? 20 × NA। हाँ, इसका आंसर होगा 20,000 NA। कितना होगा? 20,000 NA। क्यों? क्योंकि ये भी किस में है? केजी में। मोलर मास हम किस में लिखते हैं? ग्राम्स में। तो पहले आप केजी को किस में बदलोगे? ग्राम्स। तो ये हो जाएगा 20,000 ग्राम्स। अब अगर एक बॉक्स का मास 20,000 है तो बताओ NA बॉक्स का मास कितना होगा? 20,000 NA होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर मुझे किसी चीज़ का मोलर मास निकालना है, मोलर मास, तो आप मास ऑफ वन यूनिट ले लो, वन यूनिट, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? एनए से। बताओ आपको क्या मिल जाएगा? उसका मोलर मास मिल जाएगा। सही है? कोई डाउट? ये तो ही मोलर मास की डेफिनेशन। अब आपको जो चीज़ सीखनी है वो देखो। फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। बताओ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालूंगा मैं? मैं यहां पे लिखूंगा मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, कौन सी यूनिट में? ग्राम्स, इनटू क्या कर दूंगा? एनए। बोलो होगा? बताओ मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना होता है? 16 m होता है ना, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? एनए से। लेकिन मुझे आंसर एम में नहीं रखना, किस में देना है? ग्राम। तो बताओ 1 mu कितना होता है? 1.66 × 10⁻²⁴ grams। इनटू एनए की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 × 10⁻²³। ये ग्राम्स में आएगा। बोलो कोई डाउट है? अच्छा बताओ, अगर मैं यहाँ पर मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन की जगह मोलर मास ऑफ सोडियम निकाल रहा होता तो इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस आता? सिर्फ यहाँ 23 आ जाता, बाकी सारी वैल्यू क्या रहती? इससे मान लो अगर मैं मोलर मास ऑफ सल्फर लिखना चाहता तो क्या चेंज आता? यहाँ कितना आ जाता? 32, और बाकी सारी वैल्यूज क्या रहती? इससे। बोलो सही है? इसका लगे तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो क्यों ना मैं इसे कैलकुलेट करके रख लूँ, जो भी वैल्यू आएगी वो सब जगह फिट करता जाऊँगा। तो चलो इसको कैलकुलेट करें, यहाँ करते हैं 1.66 × 10⁻²⁴ × 6.023 × 10⁻²³। देखो इसको 1.7 लिख लो, इसको 6 मान लो, 17 का कितना होता है? 102 होता है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 10.2 × 10⁻²⁴। बताओ ये क्या बनेगा आपके पास? 1.02। क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 1 लिख लूँ? बोलो कोई डाउट है किसी को? इसका मतलब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर आपको हमेशा कितना मिलने वाला है? 1, हमेशा 1 मिलेगा। तो जैसा जैसे वैल्यू 1 हो गई, बताओ ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो गया? 16 grams। बताओ सोडियम का मोलर मास कितना हो गया? 23 grams। बताओ सल्फर का मोलर मास कितना हो गया? 32 grams। समझ रहे हो? तो देखो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्या हमें बार बार ये प्रोसेस करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। हमें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता होता है कितना? 16। अगर मैं उसके आगे ग्राम लगा दूं तो बताओ ये क्या बन गया? उसका मोलर मास बन गया। तो आपको जिस भी किसी का मोलर मास बताना है उसके एटॉमिक मास के आगे आप क्या लगा दोगे? ग्राम्स। बात नंबर एक, कोई डाउट? बात नंबर दो, ये देखो दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। जहाँ से हम एक और रिलेशन बना सकते हैं कि 1.66 × 10⁻²⁴ को अगर आप 6.023 × 10⁻²³ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वैल्यू कितनी आ रही है? 1 ग्राम।
बताओ ये चीज़ क्या होती है, वन ए एम यू। बताओ ये चीज़ क्या होता है, एन ए। इसका मतलब वन ए एम यू की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, वन अपॉन एन ए ग्राम्स की इक्वल। तो एक छोटा सा रिलेशन है, हो सकता है कभी आपके काम में आ जाए, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। क्लियर है, कॉपी करो, फिर सारी चीज़ों को एक बार दोबारा से समराइज़ करते हैं कि हमको यहाँ पर जो चीज़ याद रखनी, ये सब समझना था समझ लिया, अब जो याद रखना है उसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक, कॉपी करो। तो देखो, अब जो काम की चीज़ आपको समझनी है वो इतनी सी है सिर्फ, कि ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के लिए मैं तीन चीज़ें लिख सकता हूँ, एक 16, एक 16 AMU और एक 16 ग्राम्स। बताओ क्या डिफरेंस है तीनों में, ये क्या है ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास। बताओ ये क्या है, दिस इज मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। और बताओ ये क्या चीज़ है, ऑक्सीजन का मोलर मास। समझ लो, मोलर मास निकालना बड़ा आसान है, आपको एक एलिमेंट का एटॉमिक मास पता है, उसके आगे ग्राम लगा दो, आपको क्या मिल जाएगा, उसका मोलर मास मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आती है, कोई दिक्कत है किसी को। चलो, इस तरह से हम मोलर मास डिफाइन कर सकते हैं। सेम चीज़ आप मॉलिक्यूल के लिए लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ लिखूँ वाटर, तो वाटर के लिए हम तीन चीज़ें लिखेंगे, 18 U और 18 ग्राम। बताओ 18 तो क्या होगा, रिलेटिव मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। 18 U क्या होगा, मास ऑफ वन H2O मॉलिक्यूल। और 18 ग्राम क्या होगा, मोलर मास ऑफ H2O। ठीक, चलो ये सब चीज़ सीखने के बाद हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड मोल कंसेप्ट। तो दोबारा से बात करते हैं मोल्स की, देखते हैं मोल्स को डिफाइन कैसे किया। तो अभी हम डिफाइन पहले ही कर चुके हैं। बताओ वन मोल का सिंपल सा मतलब क्या होता है, 6.023 × 10²³ पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक, हम देख ही चुके इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, एन ए। ठीक, बात आती है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने की। तो अलग अलग चीज़ों से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना आना चाहिए फ्रॉम मास। कहाँ से आना चाहिए, मास। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ बताता हूँ। मोलर मास की जो यूनिट होती है, यूनिट वो होती है ग्राम पर मोल। क्या होती है, क्योंकि हम एक मोल का मास किस में लिख रहे होते हैं, ग्राम में। इन जनरल आपको ग्राम में लिखना होगा, बट एक्चुअल यूनिट क्या होती है इसकी, ग्राम पर मोल होती है। सही है, चलो अभी यूज करेंगे, देखना आप अटक सकते हो उसके अंदर, गलती कर सकते हो, देखते जाओ थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा। तो मास से मोल्स निकालने का फॉर्मूला वैसे तो आपको सबको आता ही होगा, क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक, आप चाहो तो फॉर्मूला बनाकर भी देख सकते हो। भाई आपने क्या बोला कि 16 ग्राम जो है वो क्या है, ऑक्सीजन का मोलर मास है। ठीक, तो जो मोलर मास किसी सब्सटेंस का मान लो m है, ठीक, तो एक मोल का मास मान लो m ग्राम है मोलर मास, m ग्राम बताओ कितने मोल के बराबर होगा, वन मोल। तो बताओ वन ग्राम कितने के बराबर होगा, वन अपॉन m मोल होगा। तो अगर आपके पास उस सब्सटेंस का कुछ w ग्राम है, तो बताओ w ग्राम कितने के बराबर होगा, w बाय m मोल। बात समझ रहे हो, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बन गया। देखो किसी भी सब्सटेंस के मास से अगर आपको मोल्स निकालना है, तो उसके मास को आप किससे डिवाइड कर दोगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स से। तो पहली चीज़, अगर मैं फॉर्मूला ही लिखूँ सिर्फ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, उस सब्सटेंस का मास, गिवन मास, डिवाइडेड बाय आप क्या लिखोगे, उसका मोलर। लेकिन मैं इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में याद नहीं रखूंगा, आप इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखो, मास और मोल्स। बताओ अगर आपको किसी सब्सटेंस के मास से उसके मोल्स निकालने हैं, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसके मोलर मास। और अगर आपको किसी सब्सटेंस के मोल्स से उसका मास निकालना है, तो आप क्या कर दोगे, इनटू मोलर मास कर दोगे। तो फॉर्मूले को ऐसे नहीं रख के आप ऐसे याद रखो, बहुत हेल्प करेगा, कैलकुलेशन में आप बहुत फास्ट हो जाओगे। एग्जाम्पल तो इसमें कुछ है ही नहीं, जैसे मैं आपसे बोलूं एक क्वेश्चन छोटा सा,
लिखना नहीं हुई देख लो, 10 ग्राम CaCO3 बताओ उसमें कितने मोल्स होंगे, 10 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना होता है 100, तो कितने आ गए 0.1। अच्छा मैं लिखूं आपके सामने 15.8 ग्राम KMnO4, बताओ मोलर मास इसका मोलर मास कितना आता है 158, 39 प्लस 55 प्लस 64 डिवाइड बाय 158 कर दो कितना आ जाएगा 0.1। सही है, तो एक टाइप के क्वेश्चन तो होते हैं ये जिसमें आप मोल्स निकाल सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये काम तो हम करेंगे ही। तो जो कंपाउंड का मास है उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा उसका नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन भी है, तो आप अब क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन इज दिस कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज, तो आपके पास एक एटम है, एक एलिमेंट है, उसके एक एटम का मास है इतना। आपको उस कंपाउंड के, उस एलिमेंट के 19.2 केजी में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। एक बार ट्राई करो, देखते हैं आप इस क्वेश्चन को सही कर पाते हो या फिर नहीं। चलो तो इसका आंसर आएगा देखो 200। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हम क्या लैंग्वेज को डिपिक्ट नहीं कर पाते, यही होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इन्हीं से क्वेश्चन उठ जाते हैं। और ऐसा नहीं ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा जो जेई में पूछा गया है, बहुत पहले पूछा गया था लेकिन वो, बट फिर भी आप देखो आपसे क्या कह रहा है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स है इतना, ठीक है, और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने 19.2 केजी में। बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो आप मुझे ही बताओ। गिवन मास अपॉन मोलर मास, लेकिन गिवन मास हमेशा किस में होना चाहिए, ग्राम्स में, क्योंकि हम मोलर मास भी कौन सी यूनिट में लिखते हैं, ग्राम्स। तो यूनिट हमेशा क्या रखनी है आपको, सेम। तो लिखो इसको 19,200 ग्राम बन जाएगा, इसको डिवाइड करोगे मोलर मास से। तो देखो मोलर मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास होता है एक मोल का मास, बताओ आपको कितना दिया है, एक एटम का मास दिया। तो ये ना दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये था आपको कंपाउंड का फॉर्मूला दे दिया और आपसे मोल्स निकलवा देंगे, ये इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। दिक्कत आएगी यहाँ जब आपको एलिमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, कंपाउंड के बारे में उसके एक पार्टिकल का मास दे देगा, मतलब एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का, उसको आप मल्टीप्लाई करो Na से। 23 इंटू Na की वैल्यू कितनी ले लो, 6 × 10^23। अब ये आपको क्या मिलेगा इसका मोलर मास, देखो 23 से गया 23, 2000 सही है इसका आंसर, 200 नहीं आएगा 2000 आएगा। 1.6 × 6 कितना बन गया बताओ, 9.6, ये पॉइंट हटाओ तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा, ये इसको 2 टाइम्स कैंसिल करता है, तो बताओ आंसर कितना आएगा 2000 मोल्स, ये इसका करेक्ट आंसर। पूरा समझ में आ रहा है, कोई डाउट है किसी को? चलो बहुत समय पहले की बात है जब IIT JEE में क्वेश्चन आया था, लेट्स सी, आपको अपना आंसर Na के टर्म्स में देना है, ठीक है। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल वे 1 kg, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल वे 1 kg, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास तो सबको पता ही है आपको, कितना होता है, अभी भी लिखा भी था अपन ने 9.1। चलो मैं ये बता देता हूँ आपको,
तो है 9.1 इंटू 10^-31 kg, ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको अपना आंसर देना है इन टर्म्स ऑफ Na, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं करना है, या चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर लो, कोई बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। आप मुझे आंसर दो। अगर इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, थोड़ा लैंग्वेज का फेर है और थोड़ा फिर वही हम बेसिक्स में गलत चले जाते हैं। कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल वेग 1 kg। इस क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ो कि 1 kg में इलेक्ट्रॉन से कितने मोल्स होंगे। तो बेसिकली आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। बताओ नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास? वही गिवन मास। गिवन मास कितना है? 1 kg, दैट इज 1000 grams, डिवाइडेड बाय आपको क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, बताओ मोलर मास कैसे निकालेंगे? इंटू Na करके, तो इंटू Na इसको करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो बताओ इलेक्ट्रॉन का मास कितना लिखोगे? 9.1 इंटू 10^-, अगर आपने 31 लिख दिया तो वहीं गेम हो जाएगा, 31 तो है नहीं। आप जब मोलर मास निकालते हो तो कौन सी यूनिट में निकालते हो? ग्राम्स। इंटू क्या करोगे यहाँ पर? 6.023 इंटू 10^23। तो देखो वैसे तो नेगेटिव में देना था आंसर, बट आप चाहो तो और बढ़ा लो। 28 में से 3 गया तो कितना बचेगा? -5 ऊपर गया तो बन जाएगा 10^8 अपॉन 9.1 इंटू 6 ही कर लो आप, तो ये 54.6 के आसपास आएगा। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। कर सकते हैं? ये मोल्स आ गए ना। इलेक्ट्रॉन से पूछा है, पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल वे वन के। अच्छा नंबर क्वेश्चन गलत हो गया। हाँ अब इसको आप दोबारा एन ए से वो अपन आगे करेंगे। हाउ मेनी मोल्स लिख लेना है आप, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल वे 1 kg। क्वेश्चन मैंने जल्दबाजी में गलत लिख दिया था। तो आपको मोल्स बताने हैं कि कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 kg के बराबर होंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिक टाइप होता है। यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक आपको कंपाउंड का फॉर्मूला पता होगा, वो आप कर दोगे। लेकिन जब एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का मास दिया हो तो उसको Na से मल्टीप्लाई करके पहले आप क्या निकालोगे? मोलर मास। उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ। बोलो कोई डाउट? चलो ये था पहला फॉर्मूला और इसको यूज़ करने का तरीका। अब हम मूव करते हैं सेकेंड फॉर्मूले पर, दैट इज़ अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता हो तो उससे आप कैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे। ठीक है, चलो चलते हैं सेकेंड फॉर्मूले पर। पहले फॉर्मूला बनाते हैं फिर उसको यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें और सिखा दूं। एक चीज़ यहीं पे कर लेते हैं। देखो मोलर मास, जैसे मैंने लिखा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, बताओ वो कितना होता है? 16 क्या? ग्राम्स होगा। तो आपने अगर किसी का मोलर मास लिखा, कि कैसी कैसी आवाज़ आ रही है, अच्छा बड़े बड़े मोलर मास ऑफ H2O, बताओ वो कितना होगा? 18 ग्राम। तो आपने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। अगर आपको ऑक्सीजन का मोलर मास लिखना था तो आपने उसके एटॉमिक मास के आगे क्या लगा दिया? ग्राम। अगर आपको वाटर का मोलर मास लिखना था तो आपने उसके मॉलिकुलर मास के आगे क्या लगा दिया है? ग्राम। इसलिए ध्यान रखना, कभी कभी आपको टर्म लिखा हुआ मिलता है ग्राम एटॉमिक मास। क्या लिखा हुआ मिलता है? ग्राम एटॉमिक मास, या फिर क्या लिखा हुआ मिलता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बताओ दोनों ही वैल्यूज किसके बराबर होंगी? मोलर मास। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, आपसे कोई बोले ग्राम एटॉमिक मास बताओ, मतलब आपको क्या बताना है? उसका मोलर मास बताना है। ठीक है, सेम ऐसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी किसके बराबर होगा? मोलर मास के। ऐसी एक और चीज बोलता है, वो एक और चीज क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। क्या बोलेगा? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, या फिर क्या बोलेगा? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बोल दे या फिर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स बोल दे, बताओ दोनों ही वैल्यू किसके बराबर होती हैं? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एक चीज पे ध्यान देना है यहां पे। जैसे मैं आपसे बोलूं 5 ग्राम H2O, 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, इसका मतलब क्या होगा बताओ? इसका मतलब क्या होगा? मेरे पास क्या है? 5 मोल H2O। समझ रहे हो चीज को? तो कभी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स लिखा हुआ मिल जाए, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या होगा? हमेशा
मोल्स के बराबर होगा। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कॉपी करो फटाफट से इसको। हो गया, चले आगे। चलो तो ये भी अपने काम आती रही घूम फिर की चीज़ें। अब हम निकालते हैं मोल कैलकुलेट करने का सेकंड फॉर्मूला। तो देखो, मोल्स कैलकुलेट करने का सेकंड फॉर्मूला कैसे निकालोगे। आपने बोला अगर आपके पास Na पार्टिकल्स हैं, बताओ Na पार्टिकल्स कितना मोल बनाते हैं, वन मोल। तो बताओ अगर आपके पास एक पार्टिकल हुआ तो वो कितने मोल्स बनाएगा, वन अपॉन Na मोल्स बनाएगा। तो अगर मेरे पास कुछ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बताओ वो कितने मोल्स बनाएगा, n अपॉन Na मोल्स बनाएगा ना। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का सेकंड फॉर्मूला आ चुका है कि अगर आपको किसी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता हैं तो फॉर्मूला क्या बनाओगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसको डिवाइड किससे करोगे, एवोगैड्रो नंबर से। अगेन हम इस फॉर्मूले को भी इस फॉर्म में याद नहीं रखेंगे, हम इसको एक दूसरी फॉर्म में याद रखेंगे। बताओ दूसरी फॉर्म क्या होगी, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल्स निकालना है, बताओ यहां से यहां आने के लिए क्या करोगे आप, डिवाइड बाय एन। अगर आपको मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय एन। तो इस फॉर्मूले को आप इसी फॉर्म में याद रखोगे क्योंकि अब से थोड़ा जल्दी होगा काम, ठीक है। अभी तो क्या बेसिक चीज़ें ये यूज़ करेंगे हम, तो फटाफट से आंसर आते हैं। तो किसी के मोल्स पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो एन से मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स निकालने हैं तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तैयार हो क्वेश्चन के लिए, इस पे क्वेश्चन करें। चलो तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। इंटू तो करेंगे ना, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल आया तो एनए से मल्टीप्लाई तो करोगे, कोई बात नहीं होता है ऐसा। क्या देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। फर्स्ट 16 ग्राम तो ये वाला तो वैसे कर दो, इसको क्वेश्चन थोड़ी देर बाद करते हैं, क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में करेंगे। क्वेश्चन ये करो आप पहले, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन फर्स्ट 16 ग्राम हीलियम, सेकंड 16 यू हीलियम। अब क्या करना है, देखो नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, पहले 16 ग्राम में निकालने और फिर 16 यू में निकालने। तभी आप देखो कहीं से भी मोल्स पता कर लो, अगर आपको मोल्स पता है तो मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए क्या करोगे आप, इनटू एनए कर दोगे। तो बताओ पहला पार्ट 16 ग्राम हीलियम, तो पहले पार्ट के लिए आप मोल्स निकालो हीलियम के, कितने आ जाएंगे, 16 अपॉन 4, क्योंकि इसका मोलर मास 4 ही होता है हीलियम का। बताओ कितना आ गया, 4। और मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो बताओ नंबर ऑफ हीलियम एटम्स कितने आएंगे, ये आ जाएगा 4 इंटू एन ए, सही है। बताओ सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा, क्या होगा, सिर्फ 4, ठीक है। क्यों, डिफरेंस सीखना है। ये था मास ग्राम में, जबकि ये मास किस में है, यू में। मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी कि जब आप एम यू में या यू में मास लिखते हो तो आप एक एटम का मास लिखोगे या फिर दो चार पांच एटम्स का मास लिखोगे। तो आप देखो 16 यू हीलियम, मैं बोलता हूँ 1 एम यू हीलियम, बताओ 1 एम यू हीलियम कितने एटम्स के बराबर होगा, एक एटम, क्योंकि एक हीलियम का मास 4 एम यू होता है, 4 एम यू हीलियम किसके बराबर होगा, 1 एटम के। तो अगर 4 एम यू 1 एटम के बराबर है तो 16 एम यू कितने के बराबर होगा,
फोर एटम्स के बराबर। लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगा देते हैं। भाई जब आप मोल्स निकाल रहे हो, एक्चुअली क्या ग्राम, तो जब आपको मास ग्राम में दिया है तो पहले आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ग्राम का मोल्स एटलीस्ट एक मोल के बराबर होता है, ग्राम में जो मास लिखा हुआ होता है। तो ध्यान रखना, अगर एलिमेंट का मास ग्राम में दिया है तो उससे आप पहले क्या करोगे, मोल्स, और फिर मोल्स से क्या निकालोगे, नंबर ऑफ एटम्स। अगर उसका मास एमयू में दिया है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, पहले एक का मास देखो, फिर इससे कंपेयर कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। कर सकते हो, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनका आप ध्यान रखना, आप इनमें मिस्टेक कर सकते हो। अगर आपको मास एमयू में लिखा हुआ है तो फिर आपको हमेशा इसी तरीके से करना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 126 एमयू HNO3, 126 एमयू HNO3, बताओ इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे। HNO3 का एटॉमिक मास 63 आएगा, मॉलिक्यूलर मास 6Na या 6, सिर्फ कितना आएगा 6, 6Na नहीं आएगा। क्यों भाई, देखो मास किस में लिखा हुआ है, AMU में, इसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालो आता है 63, तो आप क्या बोलोगे कि 63 AMU का मतलब क्या होगा, एक HNO3 मॉलिक्यूल होगा, क्या होगा, एक HNO3 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब अगर 63 AMU में एक HNO3 मॉलिक्यूल है तो बताओ 126 AMU का मतलब कितना होगा, 2 HNO3 मॉलिक्यूल। बोलो बात समझ में आ रही है। और अगर 2 HNO3 मॉलिक्यूल को देखो तो बताओ 2 HNO3 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, 6 ऑक्सीजन एटम्स। बोलो बात समझ में आ रही है। तो कभी भी मास AMU में दिया हो आप AMU में ही बात करोगे, मोलर मास से डिवाइड करके Na से मल्टीप्लाई गलती से भी मत कर दो। समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन करें छोटा सा, चलो। क्वेश्चन इज दिस, कैलकुलेट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 126 AMU HNO3। कितना आंसर, 6 upon Na। किसी और का कोई आंसर आ रहा है इसके अलावा, कोई और सही है? हाँ चलो बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है, बस ये बारीकियां आपको सीखनी है। देखो कह रहा है कैलकुलेट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 126 AMU HNO3। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, 126 AMU HNO3 में ऑक्सीजन एटम्स निकालो, तो वो कितने आ जाएंगे, 6 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ये तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आए हैं, आपको क्या निकालना है, मोल्स। बताओ नंबर ऑफ एटम्स से मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय Na। तो यहाँ से अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो तो बताओ उसका आंसर कितना बनेगा, 6 upon Na। कर सकते हैं, कोई डाउट? तो ये वे पहले बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे निकालने आने चाहिए। ठीक, आपको बेसिक मतलब समझना है, फॉर्मूला वॉर्मूला ये याद रखना है, सब आप अपने आप क्लियर कर दो। ठीक, तो इसी पे करते हैं एक और सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे। तो अभी मैं आपको सिखा दूं ताकि आप इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर पाओ। एक सिंपल स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा रहा हूँ पहले सिखाने के लिए, फिर हम इन पर और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन इज दिस, इन 36 ग्राम ग्लूकोज कैलकुलेट फर्स्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेकेंड नंबर ऑफ एटम्स, एंड थर्ड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। ठीक है, तो 36 ग्राम आपको ग्लूकोज दिया है, उसमें आपको ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अभी आप देखो, ठीक है, बाकी क्वेश्चन फिर आप करोगे, मुझे कुछ समझाना है यहाँ। मैं इसको आपको ना दो तरीके से करवाऊँगा,
एक नॉर्मल स्टैंडर्ड मेथड होता है, फिर एक दूसरा मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज तो हम सिर्फ एक ही मेथड सीखेंगे, 36 ग्राम ग्लूकोज। बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, इसका मोलर मास निकालो 180 आएगा। तो देखो आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स, तो मास से नंबर ऑफ एटम डायरेक्ट नहीं निकल सकते, पहले आपको बीच में क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स। बताओ इसके मोल्स निकालो, मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आएंगे, इसका मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, 0.2 मोल कौन आ गया ग्लूकोज। और बहुत ध्यान से देखना, बताओ मोल को Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये खुद क्या है, ये खुद एक मॉलिक्यूल है। तो जब मैं इसको Na से मल्टीप्लाई करूंगा, इनटू Na करूंगा, तो मुझे क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे। कुछ लोग यहीं पे नंबर ऑफ एटम्स लिख देते हैं, वो गलत है भाई। ये अगर खुद मॉलिक्यूल है तो इसके मोल को Na से मल्टीप्लाई करने पर आपको सिर्फ क्या मिलेंगे, अभी तो मॉलिक्यूल्स। तो एक्चुअली आपके पास 0.2 Na ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं। बोलो यहां तक कोई डाउट? अब आप लगाओगे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या, आप एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की शक्ल देखो, तो देखो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम्स हैं, 6, कितने हाइड्रोजन हैं, 12, कितने ऑक्सीजन हैं, 6। तो पहले आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स बोला है मतलब आपको टोटल एटम्स निकालने हैं। बताओ एक ग्लूकोज में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स, 18, कितना 12, 24 हो गया। बताओ नंबर ऑफ एटम, अगर एक मॉलिक्यूल में 24 है तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, इनटू 24, यानी आंसर कितना आ गया, 4.8 Na। बोलो समझ में आ रहा है? अगर मुझे सिर्फ कार्बन एटम निकालने हैं तो एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, 6, तो बताओ 0.2 Na में कितने होंगे, इनटू 6, दैट इज 1.2 Na, ये हो गए कार्बन एटम्स। बताओ हाइड्रोजन कितना होगा, इनटू 12 कर दो, कितना हो गया, 2.4 Na, ये हो गए हाइड्रोजन एटम्स। और बताओ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे, इनटू 6, दैट इज अगेन 1.2 Na। तो इस तरह से आप किसी भी एक गिवन मॉलिक्यूल के अंदर क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हो, वो कर सकते हैं। तो ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चन और उनके टाइप्स हम लोग कवर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं आपको सेम यही क्वेश्चन एक और तरीके से करके बताऊंगा, क्योंकि वो मेथड भी अपने बहुत काम में आता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कैसे हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करें।